नमस्कार, मेरा नाम रीना है और आप सभी को मेरे चैनल रीना कैटरिंग में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बिरयानी मसाला। ये मेरे पापा की रेसिपी है और उन्होंने मेरे को सिखाया है, जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। बिरयानी मसाला बनाने के लिए मैंने ये सब सामग्री ली है, आप चाहे तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले तेज़पत्ता लिया है, वजन से ये 15 ग्राम है और 15 ग्राम ही ये आखी लाल मिर्ची है। और हमने यहाँ पर अक्खा धनिया 30 ग्राम लिया है और ये हमने अक्खा जीरा लिया है 30 ग्राम, बड़ी इलायची भी 30 ग्राम है और ये ब्लैक पेपर जिसको काली मिर्च कहा जाता है ये भी 30 ग्राम है। और हमने दो तीन जायफल लिए हैं, ये छोटे साइज के इसलिए हमने तीन लिए हैं, आप चाहे तो दो भी ले सकते हैं। और ये सरसों के दाने हैं जो ये भी 30 ग्राम है वजन से। और ये है, ये सूट पाउडर है वजन से 30 ग्राम और ये दालचीनी 15 ग्राम और हमने आधी चम्मच हल्दी लिया है। और यहाँ पर मैंने 15 ग्राम सौंफ लिया है और 15 ही ग्राम हमने छोटी इलायची ली, हमने ये बड़ी इलायची और ये छोटी इलायची। और ये जावित्री है 15 ग्राम, लौंग 15 ग्राम और शाहजीरा, ये अलग जीरा है जिसको शाहजीरा कहा जाता है, ये भी वजन से 15 ग्राम है। और ये दाना मेथी है, ये भी 15 ग्राम है और 1 टेबलस्पून हींग। और ये चक्री फूल, ये भी वजन से 15 ग्राम ही है। और पहले हम इनमें से हल्दी, हींग और सूट पाउडर को साइड में कर लेते हैं और बाकी इन सभी चीज़ों को हम भूनेंगे। तो चलिए देखते। बिरयानी मसाला बनाने के लिए मैंने पैन को पहले से गर्म कर लिया था और अब हम इसमें डालेंगे अक्खा धनिया 30 ग्राम है। इसको हम पहले अकेले ही अच्छे से भून लेंगे क्योंकि इसको भूनने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए हम इसको सबसे पहले अच्छे से भून लेंगे। हमारा अक्खा धनिया हल्का भुना गया है और अब हम इसमें डालेंगे जीरा, नॉर्मल जीरा और सरसों के दाने जो 30 ग्राम है, इसको भी हम एक साथ डाल के भून लेते हैं। और धाना मेथी, लौंग और अब हम इसमें डालेंगे शाही जीरा, चक्री फूल 15 ग्राम है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, काली मिर्ची, इनको हम एक बार भून लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे जावित्री, जायफल 3 है जो, और दालचीनी। अब हम इन सभी मसालों को एक बार अच्छे से भून लेंगे, इसकी जब तक खुशबू ना आ जाए तब तक हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। और हम इन सभी को लो फ्लेम पे ही सेकेंगे ताकि ये अच्छे से भुना जाए। और अगले वीडियो में हम इसी का बिरयानी बना के दिखाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता और आखी लाल मिर्ची, हमने इसको हल्का सा तोड़ लिया है ताकि सेकने में आसानी हो। हम इसमें डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से सेक लेंगे। हमने सभी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है और इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप भी इस रेसिपी को घर पे बना के ट्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, हल्दी पाउडर जो हमने साइड रखा था, ये है आधी चम्मच, और एक चम्मच हींग और सूट, इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये गिर ना जाए। हमने अब गैस का फ्लेम बंद कर लिया है और हमने जो भी मसाले डाले उसको भी अच्छे से चारों तरफ मिला लेते हैं।
और इसको थोड़ी देर हम ठंडा करेंगे, फिर मिक्सी में पीस लेंगे। तो पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम हमारे मसाले को ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इन सभी मसालों को अब हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। हमारे मसाले सभी अच्छे से ठंडे हो गया है, तो अब हम इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम सभी मसाले डाल देंगे, जितना आता है उतना। हम इसको थोड़ा थोड़ा करके दो बार में पीस लेंगे। और अब हम मिक्सी का जार बंद करके इसको पीस लेंगे। हमने एक बैच मिक्सी में अच्छे से फाइनली पीस लिया है। हमने इसका एकदम पाउडर बना दिया है, ये देखिए। और इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारा बिरयानी के मसाले का एक बैच अच्छे से हमने मिक्सी में पीस लिया है, और बाकी मसाले को भी हम ऐसे ही मिक्सी में पीस लेते हैं। और ये हमने दूसरा बैच बिरयानी के मसाले को भी पीस लिया है, ये देखिए। हमने इसका एकदम फाइन पाउडर बना लिया है, इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये हमारा बिरयानी के मसाला बन के तैयार हो गया है, ये देखिए इसका टेक्सचर। ये बनाना बहुत ही आसान है, बस हमें इसको सेकना है और मिक्सी में पीस लेना है। तो आप भी इस रेसिपी को घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी की वीडियो को लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।